अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद मुख्तार हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। एक तो आज बहुत गर्मी है और दूसरा हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी ताशा हो रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में, और आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद आते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है कि जो मेजर आदल राजा साहब हैं, जो पाक आर्मी पे बारहा मुसलसल इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिनमें जो इलेक्शन की इंजीनियरिंग हो या फिर हुकूमत पे कंट्रोल हो, इस्लाम गुजार के बारे में मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो इनफैक्ट मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अभी उन्होंने नए जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ नाम लेके ब्रिगेडियर्स के, जो हमारे पंजाब के विंग कमांडर हैं, उनका नाम लिया नदीम रजा, बिलाल रजा सर, इनके जो इस्लामाबाद में पोस्ट पे हैं उनका नाम दिया गया, और मुख्तलिफ लोगों के उसने नाम दिए हैं और उन पर खुले इल्ज़ाम लगाए। और उसने बात की है जो नासर मिट्टू में सर में नाम उसने लिया है, जो बाजवा साहब की समझी हैं, और उसने ये कहा है कि वो कादियानी से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से जो बाजवा साहब ये तो इस काबिल ही नहीं थे कि इन्हें बनाया जाता आर्मी चीफ, तो ये सिर्फ उस बंदे की वजह से इन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। और उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि आजकल ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बाजवा साहब ये जो अमल कर रहे हैं कि पीपल पार्टी और नून लीग को जितवा रहे हैं, जितवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और PTI के खिलाफ काम कर रहे हैं, PTI को जानबूझ कर हरवाया जा रहा है। हालाँकि PTI जो है वो ज़्यादा वोट रखती है, ज़्यादा पावर रखती है अवाम में, पब्लिक में, तो इसमें कहाँ तक हकीकत है ये तो बाजवा साहब के बताने पे ही पता चलेगा, वो इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं। लेकिन ये बता मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको ट्रेस करने की कोशिशें की जा रही हैं और उस पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम तारीखे लगाए जा रहे हैं जो सीक्रेट एक्ट है उसके तहत, लेकिन ये बता मुसलसल बातें किए जा रहे हैं किस तरह आर्मी और SI काम कर रही है PTI को हराने में। अभी उसने रिसेंट बयान ये दिया कि जो ब्रिगेडियर है पंजाब के, ब्रिगेडियर राशिद जो पंजाब में विंग कमांडर है SI के, और दो ब्रिगेडियर्स के नाम लिए उसने जो इस्लामाबाद में पोस्टेड है, वो और बाजवा साहब ये मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर PTI को हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इलेक्शन है उसे मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत इन्हीं के कंट्रोल से चल रही है, ये जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं, जो चीज़ उनके खिलाफ होती है उन्हें दबा दिया जाता है, जो उन और भी कुछ चीज़ें तो अपने हक में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। हालाँकि इस बात से अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक, मेजोरिटी ऑफ अस, हम एग्री नहीं करते, लेकिन बात यह है कि बात तो है, शक तो वो डाल रहा है जिनमें, तो मैं ये समझता हूँ जनरल बाजवा साहब को चाहिए, तो खुद हमें मीडिया पे आए पता है अपने अपनी आप क्लियर करें, क्लेरिफाई करें चीज़ें कि आखिर ये वो जो बकवास किए जा रहे हैं इसमें हकीकत कहाँ था। अगली वीडियो तक भी